मतलब शास्त्र झूठ नहीं कहता, शास्त्र सत्य कहता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है और अवगुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है। शादी के पहले लड़की को सास इतनी अच्छी लगती है, मम्मी बिल्कुल तुम्हारे जैसा नेचर है उनका, मेरी सास का इतना अच्छा नेचर है, इतना प्रेम करती है, मेरे को बार बार फोन लगाती है, हर दो तीन दिन में फोन आ जाता है, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई पर इतना प्रेम हमारी सास का है। फिर बहू की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको सास प्रिय नहीं लगती, सास की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको बहू प्रिय नहीं लगती, भाई भाई के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, जब तक भाई नहीं आता तब तक भोजन नहीं करता। धीरे धीरे ऐसी क्या दृष्टि हो जाती है कि भाई भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता। ये दो दृष्टि परमात्मा ने हमको दी, एक अच्छा देखने की, एक बुरा देखने। अच्छा भी आप इन दृष्टि से देखते हो और बुरा भी आप इन दृष्टि से देखते हो। हमारा तो शिव महापुराण में बस इतना सा निवेदन है, अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं, हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते।